नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड, एक्चुअली हुआ क्या है कि आधार कार्ड का जो पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो UIDAI, उसमें एक अपडेट आ गया है। तो उस अपडेट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। उस अपडेट से आप किस प्रकार से कौन कौन से वर्क कर सकते हैं, उससे आप कोई सा भी वर्क कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, आपके पास कीपैड मोबाइल है, तो आप उससे भी उसमें बहुत सारी जो सर्विसें हैं उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ सर्विस मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें एक्चुअली होगा क्या कि आप उसमें मैसेज भेज के एक टोल फ्री नंबर दिया गया होगा। जैसे आपको आधार कार्ड अपना ब्लॉक करना है, सॉरी आधार कार्ड लॉक करना है, अनलॉक करना है, आपको उसकी वर्चुअल आईडी मालूम करनी है या वर्चुअल आईडी जनरेट करनी है, ओटीपी लेनी है या आधार अपना लॉक करना है, या उसमें जो बायोमेट्रिक लॉक होता है आधार में, वो आपको लॉक एक्टिवेशन करना है या डीएक्टिवेशन करना है, तो आप इस तरीके से इसमें कर पाएंगे। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें फ्रेंड, जैसे कि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड, आपको ले चलते हैं हम अपने लैपटॉप की होम स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से उसमें वर्क करना है और कौन सा नया अपडेट आया है उससे क्या क्या होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, ले चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे। तो आप लोगों को सर्च कर लेना है UIDAI। जैसे ही आप ये सर्च कर लेंगे तो आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस के सामने आ जाएगा। तो इधर से आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो आधार का जो ऑफिशियल पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो खुल के आपके सामने आ जाएगी। कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो करेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें नया अपडेट क्या आया है। तो फ्रेंड, इधर से आप देख ही रहे होंगे गेट आधार में कौन, अपडेट आधार में कौन, अपडेट आधार में कौन कौन सी सर्विस हैं और आधार सर्विस में कौन सी सर्विस हैं। तो मैं बताने वाला हूँ इधर से आधार सर्विसेज ऑन SMS के बारे में। तो ये आधार सर्विसेज में इसमें लास्ट ऑप्शन आता है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना। फ्रेंड, ये सर्विस केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, एक कीपैड मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो उससे वो चाहें तो बहुत सारी सर्विस को एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन भी इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात कर लेते हैं आधार सर्विसेज ऑन SMS। तो इसमें लाइक पहला ऑप्शन आता है टू जनरेट वर्चुअल आईडी। अगर आपको आपकी वर्चुअल आईडी जनरेट करनी है और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, एम आधार ऐप नहीं है और आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिंक है आपके आधार में, तो आप किस तरीके से कर पाएंगे। तो आप जैसा कि सामने देख ही रहे हैं कि इधर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको इधर से टू जनरेट वर्चुअल आईडी का। तो इसमें आपको इस तरीके से वर्चुअल आईडी जनरेट करनी है, तो आपको आपके मोबाइल के क्रिएट मैसेज बॉक्स में चला जाना है। वहाँ से एक मैसेज आपको लिखना है, उसमें लिख देना है कैपिटल में जी की आईडी, फिर एक स्पेस देना है, फिर आधार नंबर डाल देना है और सॉरी आधार नंबर डाल देना है या आधार नंबर के लास्ट के चार डिजिट डाल देने हैं। और आपको उसको क्या करना, जैसा कि नीचे आप देख ही रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना आधार नंबर, जैसे आपका आधार 1234567891 2 3 है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आपको SMS में लिखना है GVID। तो जो लास्ट का चार नंबर है, जैसे ये है 9123, तो आपको 9123 इसको टाइप कर लेना है और सेंड कर देना है 1947 पे। तो उधर से एक मैसेज आएगा, उसमें आपकी वर्चुअल आईडी जो है जनरेट कर दी जाएगी। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे टू रिट्राइव वर्चुअल आईडी का ऑप्शन है, तो यहाँ भी आपको इसमें इसका जो है पूरा ग्राफ दिख रहा है, आपको किस तरीके से SMS लिखना है इसमें और कौन सी नंबर पे आपको सेंड करना है। उसके बाद टू गेट OTP का ऑप्शन आता है, तो आप OTP उसमें किस तरीके से ले सकते हैं, तो वो भी आपको नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद टू लॉक आधार का दिखाई दे रहा है। तो आप नीचे की तरफ जैसे ही सिलेक्ट करके चले जाएंगे तो इसमें सारे के सारे जो ऑप्शन है आप यहाँ से इसमें चेक करवाएंगे और इन सर्विस का जो है यूज आप कर सकते हैं घर से। तो उसके बाद जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ से डिसेबल बायोमेट्रिक लॉक और बायोमेट्रिक अनलॉक का किस तरीके से आधार कार्ड पर कर पाएंगे। और उसके बाद नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है टू टेम्परेली अनलॉक बायोमेट्रिक्स। तो आपको सेम इसी तरीके से करना है जैसा कि इसमें मैसेज आपको लिखा दिखाई दे रहा है, तो आपको सेम तरीके से अपने मोबाइल बॉक्स में एक मैसेज क्रिएट करना है और उसमें जिस भी सर्विस का आप यूज़ करना चाहते हैं आपको सेम उसी तरीके से लिखनी है और 1947 पे आपको उसको
सेंड कर देने हैं। तो फ्रेंड इस पोर्टल की जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उधर से भी चेक कर सकते हैं, आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर उसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। तो फ्रेंड आज की वीडियो बस उतना ही, थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।